सुना उसके पास 50,000 करोड़ के नकली नोट छपे थे, उसने खुदकशी कर ली। ये तो आपने भी सुना होगा, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपके यहाँ एक सज्जन थे, उसने खुदकशी कर ली। वो तो इसका किंग पिन था नकली नोट छापने का। सर अगर मैं 2016 में थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, नरेंद्र मोदी का टिनोर था, तब भी नोटबंदी हुई थी और जितना करप्शन का ब्लैक मनी पैसा था वो मार्केट में बाहर आया, तभी हम देखते हैं कि आज इंडिया कहाँ पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि वहां पे वो करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अवाम की पॉलिसीज बना रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां कैसे बेहतर। दोस्तों भारत के आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया, तो आप लोग देखो इसकी आग पाकिस्तान में लगी है, कि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे नहीं सकते। तो देखो आप लोग पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है इस बारे में। हर बंदा ही करप्ट होगा तो ऐसा ही हाल होगा, हर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है हर जगह पे, ना सियासतदान ठीक है ना जजेस ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे ठीक होने को तैयार नहीं है। तो मुल्क के हालात दिन ब दिन बुरे से बुरे हो रहे हैं, बुरे से बुरे हो रहे हैं, इकॉनमी की है। अच्छा चीफ थे और आर्मी चीफ थे, ये फर्जी नोटों का प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे और इन्होंने करीब 20 बिलियन तो पाकिस्तानी रुपये छाप दिए और 6 बिलियन इंटरनेशनल करेंसी छापी। अब किसकी छापी उसकी डिटेल नहीं है, किस किस की छापी है। और ये जो नदीम अंजुम है, मैंने कहा यार ये नदीम अंजुम का जवाब वाब नहीं दे रहे, बिजी होंगे कहीं कुछ कार्रवाई वारवाई कोई नया अटैक प्लान करने में, तो पता लगा इन्होंने भी 18 बिलियन रुपए छाप दिए पाकिस्तानी और कुछ 4 से 6 बिलियन फॉरेन करेंसी छापी। अब ये फॉरेन करेंसी किस मुल्क की है हमें नहीं पता, तो कहीं आपने फिर वही पुराना बिजनेस शुरू तो नहीं कर दिया जो पहले बंद हो गया। पाकिस्तान का ISI पाकिस्तान के लोगों का ही कोई टोपी पहना रहा, क्योंकि 18 बिलियन जो नदीम अंजुम ने छापे वो तो पाकिस्तान की नकली करेंसी छापी। जो पहले वाले साहब गए वो जो 20 बिलियन छाप गए तो पाकिस्तानी फर्जी करेंसी है। तो आपने थोड़ा बिजनेस का स्कोप बढ़ा दिया, अब आप आसपास के लोग की फर्जी करेंसी नहीं छापाते, अपनी भी छापाते। ये चीजें आपके यहाँ आ रही है कि इसे तो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो आप मल्टीनेशनल बन गए, मतलब पहले तो मतलब और अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपने यहाँ भी फेक करेंसी चला रहे हैं, तो ये खबरें आ रही है। तो अब हो सकता आपका आपने कुछ 2000 की नोट के प्रति भी आपने कुछ अग्रसर हुए हो, कुछ उसके प्रोटोटाइप वोटोटाइप बना रहे हो। देखिए जब ये खबर आपके आई है, हमारे यहाँ खबर तो आती है ना, हमारे यहाँ तो जल्दी खबरें आ जाती है। जब से हमने नोटबंदी किया अरजू जी, एक अजीब चीज हो गई है, हमारी इकोनॉमी ऊपर ऊपर जा रही, पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे नीचे जा रही। नहीं तो सर ये बड़े नोट फर्क वहाँ पड़ नहीं, नहीं ऐसा क्यों सर, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उनके यहाँ छोटे नोट ही होते हैं ज्यादातर, बड़े नोट उसी जगह पर होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी खराब होती है। जाहिर है हर चीज इतनी महंगी मिल रही होती है, आपकी इकोनॉमी क्योंकि स्टेबल है तो दैट्स व्हाई आपकी जो बड़े नोट है उसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन सर जी मैं आ रहा हूँ, मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक एनालिसिस किया था, जब से हमने नोटबंदी की है, आप तारीख निकालिएगा 2016 की, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती जा रही, आपकी इकोनॉमी नीचे आती जा रही। कहीं ये जो जिसने खुदकशी की थी जावेद कुछ नाम था उसका, 50,000 करोड़ के उसने जो नकली नोट छापे थे और उसे बताओ वो तो बेकार हो गए, और तब से और आपके यहाँ तो शायद 5,000 का भी नोट आता है जहाँ तक मुझे पता है, 5,000 का होता है, बिल्कुल होता है। हाँ तो क्योंकि देखिए कैश वैश लाने ले जाने में आसान होती है ना, 5,000 के नोट 20 नोटों में 1,00,000 रुपए बन जाता है ना, तो दिक्कत इधर उधर आपके फौजी वो जो को होती नहीं सब तो सर उस तरह के थोड़े हो, जो बच्चन साहब के पहले 1,00,000 ले आओ तो इतना बड़ा ब्रीफकेस लेके जा रहे होते थे, अब वो वाली टेंशन तो नहीं है ना, समझ आ रही। मैं कह रहा हूँ तो कहीं तो हमें मुझे लगता है शायद कुछ ऐसी भी इंटेल थी, मुझे ये नहीं पता, मेरा ये अंदाज है कुछ ऐसी भी इंटेल थी कि आपने कुछ प्रोटोटाइप वोटोटाइप बना दिया और तब से अब कोई और खुदकशी ना कर ले पाकिस्तान में, कल मुझे खबर ना है किसी और ने खुदकशी कर ली। कहेंगे दोनों कंट्री की स्ट्रेटजी को, यहाँ पर भी ऐसा हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, जो लोगों ने ब्लैक मनी छुपाई हुई है सब बाहर आ जाएगी, यहाँ भी निज़ाम ठीक हो जाएगा। सर दोनों कंट्री के पॉलिटिशियंस का क्या विजन देख रहे हैं, वो अपनी अवाम का सोच रहे हैं, हम अपनी अवाम को तबाह करते जा रहे हैं, मुल्क को तबाह करते जा रहे हैं। आपको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, आप ही पाकिस्तानी, आपकी जिंदगी भी इफेक्ट होती है, मैं पाकिस्तानी हूँ मेरी जिंदगी भी इफेक्ट होती है, फिर हमें तकलीफ होती है, फिर हम ऐसे पॉइंट्स को उजागर करते हैं जिसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं, तो हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। एज अ एडवोकेट आप क्या आपको मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या पब्लिक को, जिससे पाकिस्तान बेहतर हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो। पब्लिक को अपने तौर पे हर बंदे को सोचना पड़ेगा, अपने तौर पे हर तरह का हक अदा करना चाहिए पब्लिक को भी, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है हर डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, पुलिस में और हर डिपार्टमेंट में, जहाँ जिस किसी का मौका मिलता है वो अपनी जेब गर्म करने का सोचता है, मुल्क के लिए अवाम के लिए कोई भी सोच नहीं रहा। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा सर गरीब को रोटी नहीं मुयसर हो रही,
बेचारा मर रहा है, मुझे रोना आता है जब मैं अपने गरीब का हाल देखता हूँ। तो क्या देखते हैं दोनों कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया बहुत ज्यादा स्टैंड कर रहा है, उनकी करेंसी बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर हो रही है, यहाँ पे कोई हाल नहीं है, पता नहीं कब ये होगा। इसके कसूरवार हम हैं या ये भी इंडिया की साजिश है जो हमारे बुरे हालात है? कसूरवार हम हैं, किसी की जो है ना। शुक्र है सर, अब हमारी आवाम मानना शुरू होगी, जब हम मानेंगे फिर हम बेहतर होंगे ना। जिम्मेदार हैं, जिसको किसी चीज का भी मौका मिलता है वो अपनी जेब भरने की सोचता है। आवाम को भी ठीक होने की जरूरत है, हुक्मरानों को भी ठीक होने की जरूरत है, हुक्मरानों को भी ठीक होने की जरूरत है, आवाम को भी ठीक होने की जरूरत है, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, फिर पाकिस्तान बेहतर। देखा आप लोगों ने 2016 के अंदर मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो जो भी देश में काला धन था वो उनका जीरो हो गया और उनको मजबूरी में अपने पैसे बैंक में जमा करवाने पड़े या नदियों के अंदर फेंकने पड़े। ये अफवाह आप लोग सुनी रहे थे, और इससे सबसे ज्यादा घाटा तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हुआ है। उन्होंने जो भी नकली नोट फर्जी नोट छापे हैं वो अब जीरो हो गए, और अब वो लोग आतंकवाद को भी बढ़ावा नहीं दे सकते। आप लोगों ने देखा 2016 से पहले अपने देश में छिटपुट कितनी घटनाएं होती थी, आतंकवाद को खूब बढ़ावा मिलता था। लेकिन जब 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद में आज आप देख लो 6-7 साल में बिल्कुल आतंकवाद कम हो गया, और ये नोटबंदी होने से आम आदमी को कोई घाटा नहीं हुआ। क्यों? उसके पास तो अपनी कमाई का थोड़ा बहुत 2000 का नोट होगा तो वो तो आराम से बैंक में जमा करा सकता है या बैंक में एक्सचेंज करवा सकता है। अब घाटा तो उन लोगों को होगा जिनके पास में 2000 के नोट भरे हुए पड़े हैं, और वो पैसा उनका नहीं है, जो इनकम टैक्स चुराते हैं वो उनका इनकम टैक्स चोरी का पैसा है, तो अब उनको मजबूरी में बैंक में जमा करना पड़ेगा, और बैंक में जमा कराएंगे तो ये गवर्नमेंट उनका इनकम टैक्स काटेगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फायदा होगा और आतंकवाद का भी बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो इससे अपने देश की ग्रोथ होगी, तो ये अपने लिए तो एक खुशी की बात है। तो अब आप लोगों ने देखा कैसे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, ये लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? इनके करोड़ों रुपया नकली नोट छापे हुए वो आज जीरो हो गए। अब आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोगों को भी धीरे धीरे अकल आने लगी है, अब वो लोग भी एक्सेप्ट करने लगे। पहले पाकिस्तान में कोई भी घटना होती तो वो लोग सीधा भारत के ऊपर अंजाम देते कि भाई ये घटना तो भारत ने करवाई, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी धीरे धीरे होशियार हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई भारत तो कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहे हैं हमारे नेता कर रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर वो सीधा कह रहे हैं कि भाई हमारे बर्बादी का कारण है हमारी सरकार है, हमारी सरकार है आम आदमी का ध्यान नहीं दे रही है, वो लोग आराम का पैसा इकट्ठा करके उनको तो विदेश में जाना है, लेकिन रो रहे हैं हम लोग, आम पाकिस्तानी रो रहा है। तो अब वो लोग उन लोगों को होशियार होने लगे हैं और अपनी सरकारों को कोस रहे हैं, तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान में भी जागरूकता आने लगी है, तो अब वो लोग पाकिस्तानी जो सरकारें हैं वो भी भ्रष्टाचार कम करेगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो।